Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, we are doing the solutions of IT paper of class 10. Okay, so in the last part we have done up to 16th question. We have done that is give one feature of instant messaging. So up to this we have done in the last lecture, but due to some issue my video got stopped. So we are doing this next questions in this part. Okay, this is the part 2. Okay, in this part we just complete the whole question paper. Okay, whole questions of the question papers. So question number 16th, I think I have done, give one feature of instant messaging. Okay, if this question is not visible in that video, so you can see from here. Okay, but we are starting from question number 17 in this video. Explain the following terms with respect to positioning the graphics in a document. Hame terms explain karni hai ki hum graphics ko kaise position kar sakte hain document mein. To usse related terms hai humare paas di hui hai niche question papers mein. Sabse pehle hame क्या अरेंज करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, सॉरी अरेंजमेंट क्या होता है. नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट इज टेक्स्ट स्ट्रैपिंग. स्ट्रैपिंग क्या होता है? तो अरेंजमेंट व्हाट रेफर्स टू, बेसिकली अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस. अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिंग टू द टेक्स्ट. ठीक है, मतलब ग्राफिक्स कैसे हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकते हैं या फिर और टेक्स्ट के साथ उनको कैसे हम प्लेस कर सकते हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट, अबव द टेक्स्ट, बिलो द टेक्स्ट, मींस कैसे उनको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, बट टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट इज टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ द ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. मतलब ग्राफिक्स का रिलेशन टेक्स्ट के साथ में. ठीक है, कि हमें वो ग्राफिक्स जो प्लेस करना है वो टेक्स्ट के दोनों साइड पे करना है. ठीक है, या टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ओवरप्रिंट हो जाए, या फिर फ्रंट में आ जाए, या बिहाइंड में आ जाए टेक्स्ट के. ठीक है, तो वो ग्राफिक हमें कहाँ प्लेस करना है, उसकी रैपिंग कर रहे हैं हम टेक्स्ट के साथ, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट. ए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हैपनिंग. रिलेटिव और एब्सोल्यूट हैपनिंग क्या में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है उनकी डेफिनेशंस देखें. तो रिलेटिव हाइपरलिंक क्या है? अ रिलेटिव हाइपरलिंक इज अ हाइपरलिंक दैट कंटेन्स एन एड्रेस रिलेटिव टू द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल. द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल इज ऑल्सो नोन एज द बेस, या फिर हाइपरलिंक बेस, या फिर हम उसको बेस एड्रेस भी बोल सकते हैं. तो जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो कैसा हाइपरलिंक है, ठीक है, कि जो एड्रेस कंटेन कर रहा है हमारी डेस्टिनेशन फाइल का, रिलेटिव एड्रेस कंटेन कर रहा है हमारी डेस्टिनेशन फाइल का. ठीक है, जैसे कोई भी यूआरएल होता है बस उस फाइल का, ठीक है, और कोई नहीं. मतलब कंप्लीट एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा, बस रिलेटिव एड्रेस कंटेन कर रहा है सिर्फ फाइल का. ओके, तो दिस द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल, और उस डेस्टिनेशन फाइल का सिर्फ एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो उसको हम हाइपरलिंक बेस भी बोल सकते हैं या फिर बेस एड्रेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट एड्रेस नहीं कंटेन करता है. एग्जांपल दे रखा है, कोई भी फाइल का नेम डॉट एचटीएमएल लगा दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, वो एचटीएमएल की फाइल है, इस फाइल का एड्रेस उसने कंटेन कर रहा है. ठीक है, बट एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज द हाइपरलिंक दैट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल. जो हमारे को किसी वेबसाइट का, किसी फाइल का फुल एड्रेस कंटेन कर रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना www.eduitspl.com. ठीक है, तो ये इसने क्या करा, फुल एड्रेस कंटेन करा कि हम जस्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास ये साइट ओपन हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट एड्रेस है. ठीक है, बट रिलेटिव हाइपरलिंक में ऐसा नहीं होता. वो क्या करता है, सिर्फ किसी फाइल का एड्रेस कंटेन करता है. अब हमें नहीं पता कि हमें उस फाइल तक कैसे जाना है. ठीक है, कि उसका पहले मतलब वो फाइल कौन से फोल्डर में पड़ी है. ठीक है, तो ये सब वो नहीं कंटेन करता. मतलब ब्रेक ब्रेक करके हमें पहले किसी चीज और फोल्डर में जाना पड़ता है, फिर उस फाइल में फोल्डर में जाके वो वाली फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है. तो ऐसे हमें अपनी डेस्टिनेशन फाइल पे पहुंचना पड़ता है रिलेटिव में. बट जो एब्सोल्यूट होता है वो डायरेक्ट एड्रेस कंटेन करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पार्ट
ऑप्शन इज इंटरनेट हाइपरलिंक एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो इंटरनेट हाइपरलिंक क्या होता है और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है? जब वेबसाइट लिंक आइटम लाइक वर्ड, मतलब किसी वेबसाइट में हम किसी आइटम को लिंक करते हैं या फिर वर्ड को करते हैं या फिर किसी बटन की हेल्प से लिंक करते हैं किसी चीज को, दैट पॉइंट्स टू अनदर लोकेशन, मतलब जो हमारे को दूसरी लोकेशन पर पहुंचा देता है। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक विल टेक यू टू द टारगेट ऑफ द लिंक। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमारे को कहाँ ले जाता है? उस टारगेट पे ले जाता है, उस एड्रेस पे ले जाता है, उस लोकेशन पे ले जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, विच मे बी अ वेब पेज, वो कोई वेब पेज भी हो सकता है या फिर कोई और ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है। जब हम ऑनलाइन हाइपरलिंकिंग का ये जो प्रोसेस करते हैं तो उसको हम इंटरनेट हाइपरलिंकिंग कहते हैं, ठीक है, जब हम ऑनलाइन करते हैं ये सब का, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। Add link that jump from one part of a document to another part of same document, ठीक है, कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है पार्ट्स बने हुए हैं या पेजेस हैं, ठीक है, हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, हमने क्या कर दिया, एक लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के सेकेंड पार्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो जो लिंक है उसको हम बोल देते हैं डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स के एक पार्ट से हमें दूसरे पार्ट पे जंप करा रहा है, ठीक है। मार्क द डेस्टिनेशन एंड देन ऐड लिंक टू इट। डेस्टिनेशन को मार्क करना है कि कहाँ पे हमें लिंक ऐड करना है और वहाँ पे हम लिंक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी फोर डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के फोर डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्टली ये न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल्स आ जाते हैं इंटी इंट इंट मतलब किससे, इनका मतलब किससे है, इनका मतलब क्या है, इंटीजर से, बिग इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट वैल्यू। तो ये सब किस में आ जाते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप। दीज आर यूज टू स्टोर करेक्टर स्ट्रिंग्स। ये किसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, करेक्टर स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए, मतलब कोई भी अल्फाबेट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जैसे कैर है, वेरकर है, टेक्स्ट है, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, करेक्टर डेटा टाइप में आ जाते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेटा एंड टाइम एज द नेम स्पेसिफाइड वी कैन स्टोर डेट एंड टाइम only in this data type, okay, these are used to store date and time value, simple example date, time, timestamp, we can store in this, okay. Boolean data type, this data type is used to store logic values, मतलब किसी logic से related values, अगर वो logic possible है तो हमारे को answer क्या देते हैं, true देते हैं, हमको ऐसी condition लगा देते हैं कि अगर ये इसकी value है, किसी भी चीज को कोई value दे देते हैं, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, हमने यूं कह दिया कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो हमारी क्या रिटर्न कर दे, ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे, ठीक है। तो उस जगह पे हम बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है बुलियन डेटा टाइप। और डेटा टाइप से क्या होते हैं पता है तुम्हें, डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर द टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा है किस टाइप का, दैट इज डेटा टाइप, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर टेबल ऑर्डर। टेबल हमें दी हुई है ऑर्डर नाम की, इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। हमें हर एक कॉलम का डेटा टाइप बताना है कि ये हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या क्या है, ठीक है, किस कॉलम का क्या डेटा टाइप है। सो इसमें जो ऑर्डर आईडी है उसमें क्या है, करेक्टर भी है, इंटीजर भी है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है ना तो उसमें होता है वेर का डेटा टाइप, क्या होता है, वेर का डेटा टाइप, ठीक है, means variables or characters. Very next है order date. Order date में क्या है, dates ही है तो इसमें कौन सा data type हो जाएगा, date and time data type. Customer ID is same as the order ID, तो इसमें भी कौन सा data type होएगा, varchar data type. Next is amount. Amount में क्या है, हमारे पास point है, तो इसमें होगा decimal data type. Okay? और हम float भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल बुक्स। हमें ये टेबल दे रखी है बुक, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। मतलब हमें उन बुक्स का डेटा डिस्प्ले कराना है जिनकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, सिर्फ उन बुक्स का डेटा क्या है हमें डिस्प्ले करके देने। तो हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल, ठीक है,
सॉरी ये बी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है ये रहा। ठीक है, तो हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, हमें क्या करना है बेसिकली, डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। तो हमें डेटा डिस्प्ले करना है जिसकी क्या है क्वांटिटी, क्वांटिटी का कॉलम ये रहा। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम किस कॉलम में जाएंगे, सबसे पहले क्वांटिटी वाले कॉलम में जाएंगे। तो सिलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम बुक्स, तो क्वांटिटी का टेबल है कहाँ पे, बुक्स के टेबल के कॉलम है कहाँ पे, बुक्स के टेबल के अंदर है। तो सिलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम बुक्स, ठीक है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी की वैल्यू क्या लेनी है, 3 से ज्यादा लेनी है। ठीक है, तो 3 से ज्यादा लेनी है। ठीक है, मोर देन 3 के लिए हमने ये सिंबल लगा दिया। ठीक है, सिलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3। तो हम ऐसे एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं इसके लिए। सो नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही, डिस्प्ले टोटल अमाउंट फॉर ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। मतलब कि जिस बुक का प्राइस लेस देन 500 है उसका टोटल अमाउंट डिस्प्ले रहा था। ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में देखना, क्वेश्चन पेपर उठा के नीचे एक हिंट भी दिया हुआ है कि जो अमाउंट है ना, जो हमें अमाउंट निकालना है वो किसके इक्वल है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वेश्चन पेपर में देख लेना, ऊपर होगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे आस होगा अवेलेबल। तो ठीक है, तो इसके नीचे ना ऐसे हिंट में डाल के दिया हुआ था, वेयर क्वांटिटी अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये चीज दी हुई थी हमें, मेंशन थी। ठीक है, तो हमें ये क्वेरी कैसे लिखनी है, और क्वेरी क्या है, डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, उन बुक्स का टोटल अमाउंट लिखना है जिनके प्राइस जो है लेस देन 500 है, 500 से कम है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक बड़ा है, बाकी सब 500 से लेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल बुक्स एंड एड अमाउंट इन टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, बुक्स की टेबल को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, कौन सा कॉलम ऐड कर रहे हैं, अमाउंट का। ठीक है, और उसकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, इंटीजर, हमने वैल्यू मतलब 10 डिजिट तक हो सकती है, इसलिए हमने इंटीजर डाल के 10 लिख दिया। फिर हम कह रहे हैं अपडेट बुक्स, फिर बुक्स की टेबल को अपडेट कर रहे हैं, और सेट अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालना है हमें वो भी तो बताना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस गिवन था। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम बुक्स, बुक्स से अमाउंट सेलेक्ट कर दिया जैसे हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करी थी, और यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, प्राइस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 500। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज सिक्योर। सबसे पहले तो यही होगी, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं है, तो ये चेकआउट कर लो। ठीक है, मेक श्योर कर लो। नेक्स्ट इज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगानी चाहिए। थर्ड इज कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट, अपना सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ये सबसे मेन प्रेफरेंस होती है हमारा, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अप टू डेट रहे। ठीक है, ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रेट ना हो सके। इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो हमें वो इनेबल कर देनी चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे हमारा फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया है, उसमें हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाती है कि कोई और हमारी आईडी को लॉग इन करेगा तो हमारे ईमेल पे भी मैसेज आए, प्लस हमारे नंबर पे भी मैसेज आए। ठीक है, बाय चांस उसने ईमेल भी हैक कर लिया है तो एटलीस्ट हमारे पास हमारा नंबर होगा, हम वहां से चेंज कर सकते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और बचा सकते हैं अपनी आईडी को। तो वही है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें अगर वहां पे अवेलेबल है तो उसको इनेबल करके रखना चाहिए। गिव एनी टू फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स क्या होंगे यूज, ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, बट मैंने फाइंड करके लिखा है यहाँ पे, यूज मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट मैट्स, मतलब सिंपल है सेफ्टी रूल्स जैसे हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, थीके?
तो फॉल्स एंड स्लिप मतलब हमें कैसे कैसे स्लिप हो जाते हैं और कैसे फॉल गिर जाते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी रूल क्या होंगे वो लिखने हैं। मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन मतलब कि अगर हमारे फ्लोर पे मॉइस्चर होगा तो हम बेसिकली गिर ही जाएंगे ना, तो हमें क्या चाहिए, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने वाले मैट यूज करने चाहिए। डिस्प्ले वेट फ्लोर साइन एज नीडेड, अगर फ्लोर वेट है तो वहां पे साइन लगा दो, ठीक है, अगर कि ये फ्लोर मैट वेट है इधर बताओ, ठीक है। यूज प्रॉपर मैट्स फॉर फूड प्रिपरेशन एरिया, जहाँ पे हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वहाँ पे प्रॉपर मैट्स यूज करने चाहिए। क्लीन अप स्पिल्स इमिडिएटली, अगर कोई कुछ किया जाता है उसको इमिडिएटली क्लीन अप कर लेना चाहिए। ओके, सो दीज आर द ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th आईटी। If you have any doubt in any questions, then ask me in the comment section. I will provide you. Thank you, guys. Subscribe the channel and please like the video and share it to your friends. And if you want any other topic on any other subject or any other topic, then ask me in the comment section. We'll provide you any other class question paper with solution and. If you want anything, then ask me in the related to IT subject. Then ask me in the comment section, we'll provide you. Okay? Thank you, guys.